आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे सामने आप देख रहे हैं यूलर कंपनी का ये थ्री व्हीलर है जो कि बैटरी वाली है, यानी बिजली से चार्ज होती है और आप उसको इजीली चला सकते हैं। और इस गाड़ी को जो चला रहे हैं भैया, वो हमारे साथ हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विनीत शर्मा। विनीत, तो विनीत भैया कितना टाइम हो गया आपको ये गाड़ी चलाते हुए? ये मेरे को 2 महीने के करीब हो गया गाड़ी। 2 महीने से आप ये चला रहे हैं? तो कंपनी में लगी हुई गाड़ी है, जैसा कि हम देख सकते हैं जीरो इमिशन व्हीकल है ये, ठीक है, यानी कि इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, यानी बैटरी से चलती है, बिजली से चार्ज होती है। तो विनीत भाई, ये जो है क्या कहते हैं कितने की पड़ती है, कीमत क्या रहता है इसकी? कीमत है 5.5 के करीब है कैश में। 5.5 लाख में बैठती है कैश में, ठीक है। तो गाड़ी को आपको चलाते हुए 2 महीने हो गए हैं? 2 महीने गाड़ी को चलाते हुए हो गया, पर बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं इसमें। अच्छी 100 से 115 किलोमीटर तक चल जाती है ये। अच्छा, मतलब एक चार्ज 3.5 घंटों में चार्ज हो गए, 100 से 115 किलोमीटर तक चल जाती है, ठीक है, यानी कि 115 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसमें माल अपन कितना इसमें उठा लेती है ये? माल तो इसका कंटेनर तो काफ़ी बड़ा है, पर उसके कारण ये 5 से 5.5 क्विंटल के करीब वजन उठा लेती है। 5.5 क्विंटल के करीब इसमें। और अपन इसमें माल क्या लेके चलते हैं? हम इसे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर सप्लाई करते हैं ग्रोसरी। अच्छा, फ्लिपकार्ट का भैया जो है इसमें ग्रोसरी का लेके चलते हैं। मैं आपको गाड़ी बताऊं तो देखो, मेरे को काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव जो चीज़ लग रही है ना, इसके पहिए काफ़ी बड़े हैं ये, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, इसको देखो ग्राउंड क्लियरेंस इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। और इसमें देखिए यूलर हाई लोड ईवी, इसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है, इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बैजिंग इन्होंने दी हुई है, ठीक है। और इस तरीके से है फ्रंट में, यार काफ़ी एग्रेसिव लुक इन्होंने कंपनी ने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक इसका लगता है। और इसके वाइपर, ये इसकी क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो है, ये जो शीशे की जो विजिबिलिटी है, तो ये कैसी है, मतलब दिखता है प्रॉपर? ये प्रॉपर दिखता है, पर थोड़ा सा हल्का दिक्कत दे रखी है कंपनी ने। क्या क्या इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है, पूरा बॉडी जो है ना इसकी ज़्यादा चौड़ी दे दी, थोड़ी 6-4 इंच की कम हो जाती बॉडी चौड़ाई में, तो अच्छा कम्फर्टेबल होता। तो आपको ये प्रॉपर इसमें दिखता नहीं? प्रॉपर दिखता है, अभी फिलहाल पर काम चलाते हैं, ठीक अच्छा सेट करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा सेट करना, उल्टी कर रखी हमने। अच्छा, ये आपने उल्टी की रखी है, इस वजह से अच्छा दिख रहा है। अच्छा, तो भाई जो कंपनी के जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो देख लो यार, लोगों ने क्या जुगाड़ करके, मतलब आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए है ना शीशे को। बाकी अगर अपन बॉडी की अगर इसकी बात करें ना, तो बॉडी की अगर हम बात करें तो भाई इसकी जो लंबाई है ये करीब होगी 6 फुट के करीब होगी, 6.5 की है। तो यानी ये जो लंबाई है ये तो है भाई 6 की, ठीक है। पीछे से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 की है, तो 6x5 का है ये पूरा, ठीक है। कंपनी में चल रही है और आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, मतलब ये आपकी जीवो कंपनी, मतलब जिसने निकाल लिए उसका जीवो कंपनी, कंपनी का नाम है जीवो। अच्छा, जिन्होंने इसको निकाला है जी, ठीक है। उनके पास 400-500 गाड़ी चल रही है, दिल्ली में भी है और बाहर है, मेरठ में भी आई है, उससे पहले और कंपनी की थी, ठीक है। ये अब नई गाड़ी के लिए ये अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है। तो अच्छा, इसमें बाकी जो आपने कोई गाड़ी चलाई हुई है, जैसे बजाज की ऐप पे आती है और उसके, कब मैंने काफ़ी गाड़ी चलाई, पर एक गाड़ी आ रही है उसमें गियर लीवर होता है, दो गियर होते हैं, तो उसमें बंद हो जाती है वो की। अच्छा, वो अच्छी नहीं है फिर भी, उससे अच्छी है इसमें कोई लीवर नहीं है, ओनली रेस है। अच्छा, ओनली रेस है। अभी हम लोग अंदर कैबिन में भी देखेंगे। अच्छा, एक भाई बात और जानना चाहूँगा, जैसे फ्लाईओवर पे अपन लेके चलते हैं तो फ्लाईओवर पे कोई दिक्कत होती है? नहीं, कुछ नहीं, हल्की जी एक दो मीटर में स्पीड कम होती है, बाकी प्रॉपर चलती रहती है, कोई लोड नहीं मानती वैसा। अच्छा, और अंदर में स्पेस एक बार मैं देखना चाहूँगा, एक बार अंदर, सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ये देखिए, इसमें फ्लिपकार्ट का पूरा माल है ये पड़ा हुआ, ठीक है, फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग भी है, तो ये फ्लिपकार्ट का पूरा माल है। अंदर से आप स्पेस में आपको दिखा रहा था, स्पेस देख लीजिए कितना स्पेस आपको मिल जाता है, तो काफ़ी यार अच्छा खासा इसमें स्पेस है दिया हुआ है ना। तो ये भैया भी ऑर्डर लेके जा ही रहे थे तो मैंने इनसे बात कर ली, तो स्पेस आपको इतना मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आपका दूध दूध का काम है या छोटा मोटा वैसा काम है ना, ब्रेड ब्रेड और बाकी चीज़ें, तो उसके लिए आप परफेक्ट है गाड़ी। अब अंदर वहाँ साइड से उसकी बात करते हैं कि अंदर में देखने में कैसा है, क्या है भाई। सिंपल सा आपको ये मिल जाता है, यहाँ दरवाज़ा ओपनिंग के लिए ये वाला स्टाइल का, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन अंदर देखें, यहाँ हैंड ब्रेक आपको यहीं पर दिए हुए हैं, यहाँ आपको एक सेफ्टी के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, ये लॉक वगैरह है,
बाकी यहाँ से अगर अपन लोग देखें तो भाई सिंपल सोबर सा है ये डैशबोर्ड, कोई ज़्यादा वो नहीं है। बटन के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हॉर्न वगैरह हो गया और ये लाइट्स वगैरह के सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या चीज़, मोबाइल वगैरह के लिए? मोबाइल वगैरह के लिए, मार्केटिंग में चल रही है ना गाड़ी, इसलिए मार्केटिंग की गाड़ी दी है। तो इसमें आप मोबाइल आप लगाते हो, यूज़ करते हो इसका? हाँ जी, कोई दिक्कत? अच्छा, मोबाइल को लगा लेते हो और चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, के लिए स्विच दे रखा है। ठीक है, ये चार्जिंग के लिए हो गया। बाकी यहाँ पे आपको जो है पूरा इंडिकेट करता है भाई बैटरी वगैरह का लेवल क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी बैटरी 94% बची हुई है जी, है ना, कितने किलोमीटर और चलेगी ऐसा कुछ पता चल जाता है इसमें? ये किलोमीटर ही होता है सर, ये 94% जो दे रखा है। 94% तो बैटरी बची हुई है, और अगर अपन देखें तो अभी ये इतने किलोमीटर चली है क्या? 1352 किलोमीटर चल चुकी है। चल चुकी है अब तक ये, जब से गाड़ी आपने ली है। ठीक है, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पे आप छोटा मोटा अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, जैसे भी अपने सारे बिल विल ये सब यहाँ लटका रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ है। बाकी यहाँ आपको एक लोकेबल वाला एक आपको ही मिल जाता है, इसमें आप जो है इजीली कुछ रख सकते हैं जो भी सामान वगैरह है। बाकी इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है, यहाँ से मतलब चाबी लगाइए, घुमाइए, ऑन ऑफ हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको कुछ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि वाइपर का कंट्रोल हो गया, लाइट के हैं, ये हो गया, और ये आपके पास हजार्ड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल गया, यहाँ हैंडी लॉक भी है इसमें। ठीक है, और ये आपको स्पीकर एक दिया हुआ है, गाने है ना, स्पीकर है ना ये? हाँ, स्पीकर ही है। ठीक है, तो गाने वगैरह सुने आपके भी आपने? नहीं, अभी लगवाए नहीं इसमें। अच्छा, लगवाए नहीं अभी आपने। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपने पास यूलर की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, और ये क्या चीज़ है भाई? ये हैंडल लॉक है इसका। अच्छा, ये हैंडल लॉक आपको मिल जाता है, देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये इसका हैंडल लॉक है। और इधर अगर अपन देखें तो क्या है ये? ये ब्रेक है। ठीक है, ये ब्रेक हो गया भाई, रेस के लिए आपको इसका यूज़ करना है जी। ठीक है, और इससे ये इससे तो कुछ होता नहीं है भाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल करने के लिए है। ठीक है, तो यही कुछ है अंदर में। बाकी सीट्स वगैरह की अगर अपन बात कर लें तो सीट यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई। सीट पे कैसा है, कंफर्टेबल है? सीट बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत आदमी के लिए, सवारी के लिए तो यानी पर बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी स्टेपनी भी इसी के नीचे दे रखी है, इसी के नीचे देखो स्टेपनी दी हुई है, बाहर नहीं है, अंदर के बने। ठीक है, और बैटरी की बात करें तो मुझे लग रहा है ये बैटरी है क्या नीचे इसमें? हाँ, इसके नीचे अंदर। अच्छा, इसके नीचे बैटरी है। तो बैटरी की अगर अपन बात करें तो यार कितने वाट की बैटरी होगी, कुछ आइडिया? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, पर हमारे वो बता सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लग रही है भाई इसमें, देखो ये आपको एक स्लाइडिंग वाला जो है ये मिल जाता है, इसमें आप इजीली इसको स्लाइड लाइट करके, ठीक है, आप मतलब वेंटिलेशन वगैरह इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और अगर मैं देखूँ तो यहाँ आपको एक लाइट वगैरह भी यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी लाइट जलता है ना ये? हाँ जी, ये लाइट है। ठीक है, ये देखो ये लाइट भाई ने जला दी, और वो वाली लाइट भी जलती है क्या? नहीं, वो लाइट नहीं है, वो ऐसे ही। अच्छा, वो ऐसे दे रखा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो भाई ये कुछ है, बाकी यहाँ पानी वानी की बोतल आप यहाँ पे साइड में रख सकते हैं, ये इसकी व्यवस्था भी इस गाड़ी में दी हुई है। तो कुल मिला के मतलब एक ड्राइवर को जो चाहिए ना गाड़ी को, भाई पानी की बोतल रखना है, मोबाइल रखना है, लगाना है, चार्ज करना है, म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो कुल मिला के इसमें सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि कीमत वगैरह के बारे में, 5.5 के करीब क्या सारी है? हाँ, 5.5 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, अच्छा भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो छत है, ये छत की मतलब जाहिर सी बात है हल्का सा पतला सा है, तो हीटिंग वगैरह अभी तो खैर सर्दियों में तो आपको महसूस हुआ ही नहीं हुआ होगा? ठीक है, चलो तो ये चीज़ है। नहीं, इसमें अच्छी सर गर्मी नहीं लगती सर इसमें, ये खोल देते हैं तो ऐसे हवा आती है कूलर की तरह। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि पीछे ठीक, वो बॉडी ऊंची दे रखी है ना, चलने के कारण हवा घुसेगी और अंदर आती है वो। अच्छा, तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अगर अपन इसके शीशों की बात करें भाई यहाँ पे, तो इन शीशों से कोई दिक्कत दिक्कत है? नहीं, इस शीशों से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे है, बढ़िया दे रखे शीशे, बढ़िया है। ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। ठीक है, बाकी फ्लोरिंग वगैरह आप देख लो इस तरीके से है, सिंपल सोबर। और अगर बैठने को अगर देखें तो यार दो लोग तो यहाँ आराम से बैठ, दो लोग भी बैठ सकते हैं, अगर इमरजेंसी में कभी जाना पड़ जाता है बैठ सकते हैं, दो के लिए बहुत अच्छी सीट, तो दो लोग भी बैठ सकते हैं, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, एक ही के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको एक बार साइड से उधर का भी लुक दिखा देता हूँ, एक बार साइड से भी प्रॉपर भाई प्रॉपर लुक ये है गाड़ी का, साइड से देखने में कुछ इस तरीके से है। पहियों में आपको जो है यहाँ पे देखो, टायर्स की अगर बात करें तो डिस्क ब्रेक के साथ है ये, और पीछे ड्रम ब्रेक है। तो ब्रेक्स की अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। हाँ, डिस्क ब्रेक लगते हैं, और पीछे ड्रम ब्रेक है जी। ठीक है,
तो भाई कुल मिला के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो भाई मुझे एपे वगैरह जो आ रही है और बजाज की आ रही है उससे तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है उसके मुकाबले में। अपनी ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, बाकी आपकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, तो मुझे उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छी गाड़ी लग रही है ये, ठीक है ना। तो भाई आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अच्छा विनीत भाई, इसका जो है कहाँ, ये मेरठ वगैरह में है अवेलेबल या कहाँ है? नहीं, अभी तो दिल्ली में ही अवेलेबल है। दिल्ली में अवेलेबल है, निकलवाई है। तो देखो नंबर भी आप देख सकते हैं, दिल्ली का नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो विनीत भाई आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप हमारे चैनल पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय। ओके।